हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑरेंज मीडिया। तो गाइस, ये है मेरा दूसरा वीडियो इस फोटो का ब्रेकडाउन करने के लिए। काफ़ी लेट हो गया, मुझे मालूम था 4 बजे, मैंने बोला सॉरी उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में देख रहे होंगे आप, कपड़े बिल्कुल सेम है टोनी स्टार के और पेपर पॉट्स के भी। तो ये सीन है पार्क का मॉर्निंग में न्यूयॉर्क में, जिसमें कि एवेंजर्स के बाद जो इन्फिनिटी वॉर के बाद जो तबाही मची है, तो उसमें यानी मार्क रफेलो यानी कि ब्रूस बैनर दौड़ते हुए आते हैं और टोनी स्टार के गले मिल जाते हैं और बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं। तो ये सीन काफ़ी जल्दी हुआ है और हबड़ तबड़ में हुआ है, यानी कि कुछ हो रहा है और कोई मर चुका है। तो इस मरने का कारण इतना ज़्यादा था कि ब्रूस बैनर को रुला देता था। और पेपर पॉट्स की आप आंखों में देख रहे होंगे, ब्रूस बैनर की आंखों में देख रहे होंगे कि वो काफ़ी सैड हैं और काफ़ी दुखी हैं किसी के मरने की न्यूज़ पर। तो इस सीन में सबसे ज़्यादा टोनी स्टार बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं रो रहे, उनका फेस भी नहीं दिखाया है। तो इससे साफ जाहिर पता चल रहा है कि कुछ बड़ा मैटर हुआ है, इसका मतलब कोई एवेंजर मर चुका है। तो गाइस, हमें तैयार हो जाना चाहिए एक एवेंजर की मौत के लिए, क्योंकि वो एवेंजर 3 में काफ़ी अलग होगा। क्योंकि एक कैरेक्टर को रुलाना जो कि हल्क है, जो कभी ये नहीं रोता नहीं है, उसे सिर्फ गुस्सा ही आता है, और उस कैरेक्टर को रुलाना काफ़ी बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से गाइस, ये मूवी और भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे को जैसी अपडेट कोई मिलेगा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के लिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, चाहे तो उस पर हल्के हाथ मारो या घूसे मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।